श्री राम दरबार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 17 जनवरी से प्रारंभ। 24 जनवरी को विशाल भंडारा का आयोजन। करारा नगर में बागीचा सरकार धाम पर राम मंदिर निर्माण विगत कई वर्षों से चल रहा है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को सुनिश्चित किया गया है। राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समिति बाबा का बाग बगीचा धाम करारा के सदस्यों द्वारा आज पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रभु श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 17/1/2024 बुधवार से 24/1/2024 बुधवार तक किया जाएगा। प्रेसवार्ता में बताया गया कि मीटिंग में नगर के सभी भक्तजन शामिल हुए, जिसमें प्रभु दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के यजमान भोला दुबे, यज्ञ के यजमान सुनील सोनी, करही बोले राम कथा के यजमान रवि गोयल को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का प्रारूप विस्तार रूप से प्रेसवार्ता में बताया गया। देखिए संजय गुप्ता, बिलैया, करेरा, पत्रकार। अगर भाई साहब थोड़ी पूछे सदस्यों की मीटिंग नगर के नागरिकों की मीटिंग के आयोजन का उद्देश्य सबको यह अवगत कराना है कि प्रभु श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजन का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो गया है, लगभग नहीं फाइनल हो गया है। उस कार्यक्रम से आपको अवगत कराना है। दिनांक 3/1/24 समय 2 बजे दोपहर राम मंदिर ITBP करेरा से पुलिस चौकी पुरानी तहसील होते हुए बगीचा धाम में हमारी प्रतिमाएं प्रवेश करेंगी। नगर के मुख्य मार्गों से होकर के ये प्रतिमाएं आएंगी, कबड़ रहेगी, गाड़ी में प्रतिमाएं रहेंगी और सब लोग साथ में ध्वजा लेकर के चलेंगे। पुलिस चौकी मनसापूरण अनुमान पुरानी तहसील चांदरवाला होकर बैंड बाजों के साथ धर्म ध्वजा नगर वासियों द्वारा जगह जगह आरती एवं पुष्प वर्षा, बगीचा धाम में आरती, प्रसाद वितरण और धर्म प्रेमी बंधु स्वयं के व्यय पर फ्लैक्स बैनर आदि लगाएंगे। हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वह 15 तारीख से प्रारंभ होगा, 15 तारीख से 16 तारीख तक कलश यात्रा हेतु आमंत्रण शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे द्वारा, समिति के द्वारा एवं जो बगीचा के भक्त हैं। समिति का मतलब ये नहीं है कि इसमें जो व्यक्ति शामिल नहीं है वो समिति में नहीं है, ये करेरा नगर का कार्यक्रम है। जो व्यक्ति स्वयं आकर भी अपना नाम लिखवाना चाहेगा वो समिति का सदस्य माना जाएगा। तो समिति के सदस्यों द्वारा और नगर के जो हमारी प्रचार प्रसार की समिति अभी बनेगी उसमें पत्रकार बंधुओं का सहयोग सबसे अधिक अपेक्षित है, उनके द्वारा पूरे नगर में तथा पूरे ग्रामीण अंचल में सभी हमारे ग्रामीण बंधुओं को, नगरवासियों को, हमारे संत महात्माओं को, पुजारियों को, मठाधीशों को आमंत्रित किया जाएगा। 15 और 16 को ये कार्यक्रम घर घर में चलेगा। 17 तारीख को प्रातः 9 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। कलश यात्रा भगुआ नदी फिल्टर प्लांट से प्रारंभ होगी, उसका रूट भी वही काली माता मंदिर, काली माता मंदिर से पुलिस चौकी, पुलिस चौकी से मेन बाजार, मनसापूरण, हनुमान जी, पुरानी तहसील होते हुए बगीचा में प्रवेश करेगा। कलश यात्रा का समय रहेगा 9 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे यहां पर समापन होगी, प्रसाद वितरण होगा। इसके बाद 2 बजे से ही राम कथा का प्रारंभ होगा। राम कथा के आचार्य श्री अंकुश तिवारी जी वृंदावन धाम वाले हैं, जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उनके जो उनकी समिति के सदस्य हैं वो निरीक्षण करने भी 1-2 दिन में करेरा आने वाले हैं। 17 तारीख को 2 बजे से कथा के बाद में शाम को कथा जब तक चलेगी उसका समय निर्धारित नहीं है। 18 तारीख को प्रातः 8 बजे से काशी से पधारे हुए विद्वानों द्वारा
श्री राम महायज्ञ, गणेश पूजन एवं यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। काशी से विद्वान पंडित पधार रहे हैं, वो इस सारे कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। दोपहर 1 बजे से राम कथा का प्रारंभ पंडित श्री अंकुश तिवारी जी द्वारा किया जाएगा। 19 तारीख को प्रातः 8 बजे से अग्नि स्थापना, नवग्रह होम, आवाहित देवताओं का होम, मूर्ति जलाधिवास, मतलब मूर्तियां जल में निवास करेंगी। अपन ये प्रयास कर रहे हैं, अभी ये फाइनल नहीं है, कि कैमरा लगा के सारे आमजन भी उस कार्यक्रम को देख सके। अब ये जो हमारे विद्वान पंडित जन आएंगे, उनको कोई आपत्ति तो नहीं है, या विधि विधान में क्या होता है उसके हिसाब से इसका निर्णय लिया जाता है। दोपहर 2 बजे से मूर्ति का जलाभिदास, मूल संस्कार, कल्पुष्ट वस्त्र अधिवास आदि धार्मिक कार्यक्रम होंगे और कथा अपने समय अनुसार चलती रहेगी। दोपहर 1 बजे से 20 तारीख को 8 बजे से मूर्ति स्थापन, मूर्ति पूजन आदि ग्रह वस्तु पूजन ये सब चलेंगे और यज्ञ हवन भी चलेगा। 21 तारीख को 10 बजे सुबह प्रभु की शोभा यात्रा निकलेगी, वो नगर भ्रमण पर निकलेगी, तो प्रतीकात्मक रूप से निकाले जाएंगे, उसमें मूर्तियां जाना संभव नहीं है, तो उनकी चरण पादुकाएं और एक फोटो तस्वीर और बैनर रहेगा, उसमें प्रभु शोभा यात्रा के लिए जाएंगे। वो 10 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, क्योंकि 3 बजे उनका सैयाधिवास, मतलब वो विश्राम करेंगे 3 बजे, तो 3 बजे के पहले पहले उनको वापिस भी आना है, इसलिए उसमें अभी रूट निर्धारित नहीं है कि वो किस किस रूट से जाएंगे, जब रूट निर्धारित होगा तो आप सब लोगों को बता दीजिए। 22 तारीख को 12:40 बजे दोपहर से 2:36 बजे तक वृष लग्न में प्राण प्रतिष्ठा एवं पूर्ण आहुति होगी 22 तारीख। 23 तारीख को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक श्री राम कथा होगी। मैं पुनः बता रहा हूँ कि 23 तारीख को कथा का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है, श्री राम कथा का समापन होगा और दोपहर 12 बजे से भंडारा प्रारंभ होगा 23 तारीख को। कुछ लोगों को हो सकता है 24 का पता हो, भंडारा 23 तारीख को है, 23 तारीख को जी के सानिध्य में सभी भक्तगण इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कुछ राशि समर्पित की है, वो कुछ तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, बाकी जो नहीं बता पाई वो और शेयर कर रहा हूँ सबके साथ। इसमें चांदी का छत्र भगवान का श्री अन्नू कुशिया जी की ओर से रहे, ठीक है। चांदी के बर्तन हनुमान जी का गदा श्री बॉली डॉली निखरा जी की ओर से रहेगा। भगवान के चारों मुकुट चांदी के श्री गणेश नगरिया जी एवं श्री राजू नगरिया जी की ओर से रहेंगे। सीता मैया के पायल बिछिया 21,000 रुपए तक के श्री नरेंद्र लाक्षाकार जी की ओर से रहेंगे। श्री विवेक चतुर्वेदी जी की ओर से 1,00,000 रुपए का हीरा भगवान श्री राम जी के लिए समर्पित रहेगा। 20 ग्राम सोने का हार श्री उमाशंकर परियार गदाई वालों की ओर से रहेगा। श्री कमलेश गुप्ता जी थंडा वालों की ओर से सोने की 2 तोला की कमलेश गुप्ता और संदीप गुप्ता जी की ओर से जानकी जी के कंगन रहेंगे 2 तोला। श्री जगदीश भार्गव जी करई वालों की ओर से 1 तोला सोना भगवान को समर्पित रहेगा, वो कहीं भी यूज अपन कर लेंगे। श्री संतोष शर्मा जी दद्दा की ओर से 1 तोला सोना भगवान को समर्पित रहेगा, उसका भी उपयोग अपन जहाँ भी कंगन में या हार में जहाँ भी जरूरत होती है अपन उसको करेंगे। श्री रामस्वरूप जी रावत जी की ओर से 1 तोला सोना इनकी ओर से समर्पित रहेगा। श्री रामेश्वर दयाल जी नौगरैया की ओर से 1 तोला सोना इनकी ओर से रहेगा। भगवान के चारों वस्त्र
श्री संजय निखरा सिलानगर वालों की ओर से रहेंगे, ठीक है। इनकी माताजी श्रीमती बैनी देवी जी के नाम से उन्होंने दी। भगवान ये विजय गुर्जर जी की ओर से पोशाक थी, लेकिन ये जो है चूंकि 1 लाख वाले में शामिल हो गए तो ये अपन ने उनकी पोशाक के अंतर्गत दी। श्री राजेश गोयल जी की ओर से फूल बंगला की सजावट, ठीक है, 1 लाख रुपए तक की रहे। 1.25 के भाई वो ज्यादा हो गया, 1.25 वो कर देंगे जितने लगा पूरे लगा। मुझे बात हुई थी कि जितने होगी लगाई। राजेश गोयल भाई पैसा मत देना, तीनों के और तीनों भाइयों के छिंगासरा श्री हनुमान जी महाराज का श्रृंगार श्री नवीन दुबे बॉबी जी की ओर से रहेगा, ठीक है। और एक व्यक्ति ने गुप्त दान में 51,000 रुपए भी दिए। और यज्ञशाला के निर्माण हेतु श्री प्रकाश चंद जी अग्रवाल रतन सराफ की ओर से 1,11,000 रुपए उन्होंने दिए। श्री बाल गोविंद सिवरी जी की ओर से यज्ञशाला निर्माण हेतु आवश्यकता अनुसार सीमेंट दिया जाएगा, जितना भी सीमेंट लगेगा। श्री नवाब सिंह जी यादव दिनारा वालों की ओर से यज्ञशाला हेतु गिट्टी की व्यवस्था रहेगी, जितनी यज्ञशाला में गिट्टी रहेगी वो इनकी तरफ से रहेगी। यज्ञशाला निर्माण हेतु बांस बल्ली आदि की व्यवस्था श्री दीपू यादव जी भगत जी खाती बाबा की ओर से रहेगी। दिनांक 22/1/2024 को ध्वजा एवं हनुमान जी की गदा भी इनकी ओर से ही दीपू यादव की ओर से समर्पित रहेगी। श्री बंटी बिलैया जी श्री रानू बिलैया जी की ओर से 11,000 रुपए हनुमान जी के श्रृंगार हेतु 24 तारीख का श्रृंगार है इनका रहेंगे, ठीक है। यज्ञशाला की पुट्टी पुताई का कार्य श्री राजेंद्र गैड़ा जी दिल्लन की ओर से रहेगा। यज्ञशाला आपके साथ साझा कर इस पुनीत कार्य के लिए प्रदान किए। अब अपने 11 कुंडीय यज्ञ है उस पे एक कुंड पे एक तो घी का यजमान बैठेगा और 4 बैठेंगे तिल वाले। तो घी के यजमान की दक्षिणा अपन ने 1 लाख रुपए निर्धारित की थी और साकिल वाले जो 4 यजमान बैठेंगे वो 51,000 रुपए अपन ने निर्धारित की थी। तो 11 कुंड पे 44 बनेंगे वो। तो अपने पास अभी 18 नाम आ चुके हैं, वो मैं साझा कर रहा हूँ। कुंडी ऐसी बनाइयो कि जान बैठ जाए। अब वो ये निर्माण 1,19,000 ठेकेदार जी ने दिए थे। जामे से 9,14,000 रुपया पहुँचे, 9,14,000 रुपए पहुँच गए। 1,00,000 रुपया सुहाने जी झांसी वाले डाल रहे हैं तो हो जाएंगे 10,14,200। यदि मूर्ति को वोट देना हो मतलब भाई शामू वेद इकट्ठे कर करके सब पहुँच गए। मूर्ति को जिसको वोट देना हो तो अभी 5,000-7,000 रुपया और है। यदि मूर्ति को करना हो तो लिखते जाए तो पूरा पहुँच जाएगा और नहीं पैसे राशि हो जाएगी। ये और 9,10,14,200 के लगभग पैसा पहुँच गया है। साला यज्ञ हवन कार्यक्रम तीसरा राम कथा का, इसके 3 यजमान कमेटी के द्वारा नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में तय किए गए हैं। तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा के जो हमारे मुख्य यजमान हैं वो है राजेश भोला भैया, दूसरे हमारे यज्ञशाला के जो यज्ञ हवन के यजमान है सुनील सोनी जी, और तीसरे सर्वसम्मति से हम हैं। बाकी घी के हमारे पूरे घी के हो गए वो नाम और बता दो मनोज खड़े हो गए जो उपस्थित। यज्ञ के प्रधान यजमान श्री सुनील सोनी जी हैं, दूसरे संतोष श्री संतोष बैडर जी, तीसरे श्री हरिराम जी साहू, चौथे श्री राव राजा यादव जी कालीपाड़ी, पांचवे श्री अभिषेक दुबे जी पीजा वाले, छठवें श्री कृष्णपाल सिंह जी चौहान बमारी वाले, सातवें श्री मनोज छारिया जी, आठवें श्री रमेश कुशवा जी लंगूरी वाले, 9 श्री अल्लू कुचिया जी नमे, 10वें श्री रामस्वरूप जी रावत और 11वें श्री विजय गुर्जर जी शिक्षा। ये 11 घी के यजमान होंगे हर कुंडी पे 4, लेकिन उनका नाम अब इसलिए नहीं बता रहे कि अभी उस वक्त कुछ स्थान खाली होते हैं, जब पूरे हो जाएंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 7 लोगों ने 7 दिन के फलार की व्यवस्था पूरा यहाँ पर जो फलार होगा जो यहाँ पर बाल उनके नाम भी बता दो।
सर्वप्रथम एक नंबर श्री बादाम सिंह जी से करवा, जो कि राजीव से करवा है। दूसरे नंबर पर श्री सीताराम जी गदाई वाले, तीसरे श्री बाल गोविंद जी से भरे, चौथे श्री कृष्णपाल जी तोमर झंडा वाले, पांचवें श्री अल्लू कुचिया जी, छठवें श्री मनोज दिलीप लिखरा जी और सातवें श्री हरिराम साहू जी। ये सात दिन।